हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है, हम आज जाएंगे खाटू श्याम मंदिर। तो अभी सबसे पहले मैं नहा धो के, अभी मुझे निकलना है पहले ऑफिस के लिए, तो मैं वहीं से डायरेक्ट निकलूँगा। एंड संध्या भी मेरे साथ जाएगी, एंड मेरे दो फ्रेंड्स एंड मेरी सिस्टर भी, 5 जने हैं अभी जो जाने वाले हैं। बाकी और भी क्या पता बढ़ सकते हैं, तो देखते रहें ब्लॉग, आपको बहुत मज़ा आएगा और खाटू श्याम मंदिर के दर्शन भी होंगे जो लोग नहीं जा पाते। और मैं तो कहता हूँ सबको जाना चाहिए। जो मैंने सुना आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं बताऊँगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, मैं चलता हूँ तैयार होने के लिए। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार, और अब संध्या अभी रोटी बना रही है, उसके बाद हम पहले जाएंगे ऑफिस, ऑफिस के बाद हम शाम को निकलेंगे। तो अभी वीडियो में बने रहना, मैं दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है। तो अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है खाटू श्याम की ओर। तो अभी हम सबसे पहले लेंगे मेट्रो और यहाँ से जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन। गाइस, हम लोग हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, तो देखते हैं अब हमें ट्रेन मिलेगी या नहीं, किस्मत में क्या है। तो फाइनली गाइस, हम टाइम पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि ट्रेन वैसे भी थोड़ी सी लेट है, तो अब हमें फाइनली ट्रेन मिल जाएगी। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है। अब आगे का जो भी सफ़र होगा वो उस ट्रेन में होगा, तो कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, क्योंकि ट्रेन में भीड़ होती है बहुत। तो हम पहुँच गए अभी रिंगस जंक्शन, अभी यहाँ उतरे हैं, और इतने सारे लोग, देखो कितनी भीड़ है, देखो लोग कैसे कैसे चढ़ रहे हैं। बाकी आगे का ब्लॉग भी दिखाता हूँ, अभी बारिश हो रही है फिलहाल, फोन रखना पड़ेगा। ओ सो गाइस, ये है रिंगस जंक्शन। अगर आप खाटू श्याम आते हैं तो आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। तो गाइस, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हेलो दोस्त, कहते हो कहते हो दोस्त, गुड। कहाँ आए हो आप, कहाँ पर आए हो बताओ, जल्दी बोलो जल्दी, हैं? खाटू श्याम, खाटू श्याम। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको, रिंगस जंक्शन का ये रेलवे स्टेशन है। चाय चाय पीनी, चाय। तो गाइस देखो, अभी रात के बज रहे हैं, कितने 11-12 बजने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अभी इस टाइम यहाँ इतनी भीड़ खा दी, जबकि ये खाटू श्याम ही नहीं है, इस टाइम रेलवे स्टेशन है जबकि। और यहाँ से आपको खाटू श्याम के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी, जैसे ये गाड़ी है, ऑटो है, बस भी मिलती है, तो ये सब आप लेके जा सकते हैं। तो हमने कर दिया ये वाली गाड़ी बुक, अब हम जाएंगे इसमें बैठ के, तो आगे का सफ़र अभी इसी में तय करेंगे। ये देखो, ये लोग कह रहे थे कि पैदल सफ़र करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। हाल देखो इनकी दिख रही है, पैदल यात्रा करने वाली। ये पैदल यात्रियों की भीड़ है अंदर जाने के लिए, लिखा भी सामने पहले सुबह, तो अभी सुबह के 5 ही बजे हैं बस। ये सुबह 5:30 बजे आरती होती है खाटू श्याम में, और ये आरती देखने का मज़ा ही कुछ और है।
भाई हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया दर्शन करके, और हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, कोई ज़्यादा मतलब धक्का मुक्की कुछ नहीं थी, बहुत मज़ा आया दर्शन करके और बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब हम खाटू श्याम से आए हैं सालासर बालाजी की ओर, और अभी हम बालाजी में हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। हमारे सारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत मज़ा आया हमको, और मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबको भी एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह। तो गाइस अब आ चुके हैं हम घर, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और सिटिंग का था, सोए बिल्कुल नहीं है हम दो दिन से, और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक गया, प्लस कुछ कुछ मैं शॉर्ट्स नहीं ले पाया जो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, और वहाँ चार्जिंग की भी बहुत मतलब दिक्कत थी हमें, क्योंकि ट्रैवल में चार्ज वो नहीं होता, मैं अपना पावर बैंक ले जाना भी भूल गया था। बट होप करता हूँ कि जो मैंने डाला है वो आप लोगों को पसंद आएगा, और कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करने की वीडियोज़ को, बस लास्ट ही मेरे को सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें एंड वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट देता है। Thank you so much guys.